शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राजू आगे मत बढ़ना। मेरा बच्चा। बता, मेरी बहन का खून किसने किया? अपनों को नहीं मालूम। सर, अभी भी फोन आया है कि बॉबी ने प्रिया और उसकी दादी माँ को किडनैप कर लिया है। अरे प्रिया, सोई नहीं अभी तक? नहीं दादी माँ, नींद नहीं आ रही है। रात बहुत हो चुकी है, सो जा। ठीक है। कैसे सो जाऊं? आंखों में नींद ही नहीं, ना जाने विकी किस हाल में होगा। प्रिया, विकी, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन थी। तुम ठीक तो हो? हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना। मैंने प्रिंसिपल का खून नहीं किया प्रिया। मुझे यकीन है विकी, तुम बेगुनाह हो। प्रिया, अब मेरे घर में कातिल बदमाश भी आने लगे? विकी कातिल नहीं है दादी माँ। कातिल नहीं है तो पुलिस से क्यों भाग आया? देखिए, मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करना है। प्रिया, इसे कहो फौरन यहाँ से चला जाए। मैं विकी को फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कह सकती दादी माँ। मैं विकी से प्यार करती हूँ। जवानी की चांदनी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रिया। प्यार बर्फ के फूल की तरह होता है, जिस जमाने की धूप लगते ही पिघल जाता है। हमारा प्यार कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाए। हमारा प्यार तो वो तूफान है जो रास्ते में आने वाले हर दीवार को गिरा दे। बेवकूफ लड़के, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, मैं उस मगरूर औरत से बात कर रहा हूँ जो प्यार को एक धोखा समझती है। खामोश। दादी माँ, तुमने ये थप्पड़ मारा इस घर के होने वाले दामाद को? चुप बेहया, पागल लड़के, फौरन दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, जाता हूँ, मगर याद रखिए प्रतिमा देवी कि प्रिया मेरी अमानत है, और जिस दिन मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा, मैं इसे जरूर लेने आऊंगा। विकी, तुमने अच्छा नहीं किया दादी माँ, अच्छा नहीं किया। विकी ने पुलिस की हिरासत से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं नहीं वकील साहब, मेरा भाई खूनी नहीं है, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा भाई बेगुनाह है तो बेशक मैं उसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसी के सहारे मैं पूरे बल और विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, 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 शक्ति, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे, अरे ये तो रोने लगी, रोने लगी है तो। अरे कैसे गिड़गिड़ा रही बेचारी। हाँ, अरे मैं इस पे इतना जुल्म क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं इस पे इतना जुल्म? याद आया, पकड़ो उसको। Ha 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 ha!
बिटिया रानी, ये दिन देखने से पहले मैं मौत क्यों ना आ गई? जिन हाथों से तुम्हें डोली में बिठा के भेजना था, उन्हीं हाथों से तुम्हारी अर्थी उठा के ले आए। अरे हाथ टूट क्यों ना गए, टूट क्यों ना गए? पंडित जी, पिता को आग दीजिए। रुक जाओ पंडित। विक्की बाबा, ये किसी लावारिस की लाश नहीं, इस अबला की चिता में आग लगाने के लिए उसका भाई अभी भी जिंदा है। विक्की, कानून से तुम ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगे। हाँ, इस चिता को आग देने की इजाजत मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस मासूम बच्चे को मेरे हवाले कर दो। लाओ। नहीं, कोई भी मेरे करीब मत आना, मेरे सीने में बॉम्ब लगे हैं। अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ इस बच्चे की भी जान चले जाएगी। विक्की, तुम जो ये कानून से खेल रहे हो बहुत पछताओगे। राजू, आगे मत बढ़ना। मेरा बच्चा राजू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा राजू। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे साथ साथ इस बच्चे के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप घबराइए मत माँ जी, आपका बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। कम ऑन। बेटे, मुझे माफ कर देना, तेरी जान मैं कभी नहीं लेता। ये बॉम्ब भी नकली है, चलता हूं। तुझे कसम है इस खून की कि आज या तो तू इसे उन पापियों के हाथ बहने दे, या मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उन सब का सर्वनाश कर सकूं। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो विक्की के खून की यह लाली जो आज मेरे मांग का सिंदूर बन चुकी है कभी फीकी नहीं पड़ेगी, और अगर मेरा प्यार और तेरी शक्ति विक्की के लिए विजयपत नहीं बन सकती तो मैं आज तेरे सामने कसम खाती हूं कि एक चिता में दो दो लाशें जलेगी, और अगर मैं विक्की की जीत में हिस्सेदार बन सकती हूं तो उसकी मौत में भी भागीदार हूं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, मेरी बहन का खून किसने किया? अपनों को कुछ नहीं मालूम, छोड़ दे, छोड़ दे। इससे पहले कि मैं तेरे गर्दन को तेरे जिस्म से अलग कर दूं, बता मेरी बहन का खून किसने किया? बता। हाँ, हाँ, अपुन ने किया है। कोमल का खून अपुन ने किया है, अपुन ने किया है। नहीं, हट जाओ इंस्पेक्टर। और मुझे यकीन है कि इसके हाथ मैडम के खून से भी रंगे हैं।
इसने? मैडम का गुना पुण्य नहीं किया इंस्पेक्टर, इसने किया है। मुझे फंसाने के लिए इसने सब कुछ किया। ठीक है, ये सब पता चल जाएगा, लेकिन विकी अभी तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे? लेकिन मैं क्यों चलूं? मेरे तो कोई खून नहीं किया। विकी, इसका फैसला कानून करेगा। चल बे। कान बास्केट, कान। राजेश कुछ बोला? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। कुछ बोलेगा? नहीं। बोल प्रिंसिपल रजनी भार्गव का खून किसने किया? बोल वरना बहुत बुरा होगा। बोल दे। ये सर, ये जानवर ऐसे नहीं बोलेगा। पांडे, ये ऐसी चीज है तो क्या इससे अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं? नहीं सर, नहीं सर। मैडम का खून आपने किया। तूने मेरी माँ को मारा। बता तूने ये सब क्यों किया? ये सब अपने भैया बाबू के कहने पे किया है इंस्पेक्टर। भैया बाबू? ये भैया बाबू कौन है? छोटूलाल, छोटूलाल को अपन लोग सब भैया बाबू बोलते हैं। छोटूलाल? लेकिन ये सब तूने किया क्यों? उस दिन हमें विकी को रास्ते से हटाना है। का है? ताकि प्रतिमा देवी की पोती प्रिया हमारे घर की बहू बन जाए और उसकी करोड़ों की जायदाद हमारी हो जाए। लेकिन प्रिया विकी से प्यार करती है। तो ये बात है, दौलत और जायदाद तो तुहार मिल जाए पर हमका का मिली? जो तुम चाहो। तू तो हमका मित्र है धनराज, हम ना ना ही कर सकते हैं। ई वही विकी है ना जो तुहार कॉलेज में पढ़ते? जी हाँ वही। जिसका करण की माँ प्रिंसिपल रजनी भार्गव के साथ स्ट्राइक का पंगा चल रही। बिल्कुल, आप तो पूरी कुंडली जानते हैं उसकी। इफ समझ लो कि तुहार काम हुई गवा। बबुआ शक्ति। यस भैया बाबू। सीधा जाय के प्रिंसिपल की बत्ती गुल कर दई। अपुन भी यज करने को मांगता था भैया बाबू, अब आपने कह दिया तो समझो अपुन ने कर दिया। लेकिन हम प्रिंसिपल को नहीं विकी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। हाँ छोटूलाल, प्रिंसिपल को मार के हमारा क्या फायदा होगा? अरे हम तो फायदे की ही बात करते रहे धनराज, लेकिन हमरे स्टाइल से झट से गोली चले और पट से कोई मर जाए, हमका मजा ना ही आवत है। अब सुनो हमरी खोपड़ी मां का है, तुमको विकी को रास्ते से हटाना है
हमको करण से बदला लेना है और शक्ति को प्रिंसिपल से बेइज्जती का हिसाब चुकाना है। कॉलेज में स्ट्राइक चलत है, लोहा गरम है। अब अगर शक्ति प्रिंसिपल को मारेगा तो बबुआ करण को लगेगा कि उसकी मां को विकी ने मारा है। वाह, क्या बात है छोटूलाल, तुम्हारी खोपड़ी किसी शैतान की खोपड़ी से कम नहीं। हाँ, हम वही कहत रहे, विकी को फांसी हो जाए, बॉबी को प्रिया मिल जाए और हमका करण से हिसाब बराबर हो जाए। को फंसा दिया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, क्या मैं जा सकता हूं? नहीं, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सर, अभी भी फोन आया है कि बॉबी ने प्रिया और उसकी दादी माँ को किडनैप कर लिया है। शिट, करण, ऐसी हालत में तुम मुझे लॉकअप में बंद करके एक और गलती कर रहे हो। करण प्लीज, वो लोग प्रिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज करण, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे ले जाऊंगा। कम ऑन। बहुत खुश है इंस्पेक्टर माथुर। भैया बाबू, हम तो आपके सेवक हैं, बस हुकुम करते जाइए। अरे तू जानत नहीं है इंस्पेक्टर माथुर, ये चिकनी चिड़िया मां इंस्पेक्टर करण का जान छुपी है। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वेलकम प्रतिमा देवी, वेलकम। धनराज को कुत्ते की तरह जलील करके अपने घर से निकाला था ना तूने? अब धनराज का कमाल देखना तू। बांध दो इस बुढ़िया को। दादी माँ, छोड़ दो। दादी माँ। हमने कहा था ना हमारा अपमान तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आज तेरी आंखों के सामने तेरी पोती हमारे घर की बहू बनेगी और तेरी सारी दौलत हमारी होगी। सपने हकीकत में नहीं बदलते धनराज। ना बुढ़िया ना, तू जानत नहीं बुढ़िया, छुटुआ जिसके सर पर हाथ रख दई है ना, उके सारे सपने पूरे हो जावत है। तू कोई भगवान नहीं है जो अनहोनी को होनी में बदल दे। ए बुढ़िया, अरे तू छुटुआ को चैलेंज करत है? अरे क्या सोचत है बॉबी, बिठाई दे इस कबूतरे को लगन मंडप मा। नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे कैसन ना ही करत है लड़की तू शादी। अरे का है देखा था ही? मार दे इस बुढ़िया को। नहीं, बहुत बदल गया दादी माँ को। ए, बहुत हो गया है, रोती रहेगी तो सुहाग रात कैसे मनाएगी? अरे नहीं बॉबी नहीं, लगन मंडप पे गुस्सा नहीं दिखाते बेटे, इसे शादी का प्रसाद समझ के चाट जाओ। क्या, एक बार शादी हो जाने दो फिर अपने तेवर दिखाना तुम। ए छोकरी, बैठो तो के उड़ाई दे बुढ़िया का भेजा। हम तीन तक गिना थे, एक, दो, तीन। हाँ, मुझे मंजूर है। पंडित। हाँ जजमान। शुरू हो जा। हाँ शुरू होता हूँ। ओम मंगलम। करके डाल रहा है, पूरा डाल देना साथ में।
अबे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करना पंडित। रुक जाओ साहब। चलो उधर। नहीं नहीं इधर खोल। अरे खोल 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 खोल। खंडोबा विठोबा बिजली लग गई, लग गई। खोलो। कभी हमको घर पे बुला के प्रमोशन की बात जरूर। खोलो। क्या खोलो? खोल, बातें करता रहेगा। भाभी जी फंसी हुई है। भाभी जी वो प्रमोशन की बात। भाभी जी तो फंसता नहीं है कोई बार बार। अरे तू चलना फंसा दे। ये तो साहब है। हाँ। ये तो पुलिस के नाम पे डब्बा है। डब्बा? हाँ। तो इसे भी डब्बा दे देते हैं। हाँ, दे 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 दे। अरे यार तू बार बार हंसता क्यों रहता है? तो कोई फंसता नहीं है ना। हाँ तू चलना फंस। मार दो साले को। गिरफ्तार करो इन सबको। पकड़ लो। कानून को अपने हाथ में मत लो। इस कमबख्त को कानून सजा देगा। चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी में। चलो मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी बेटे। ये लो, आज से प्रिया तुम्हारी हुई।